हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट इन टेक। एंड आज है आपका डे 16। तो डे 16 में आपका लास्ट टू डिजिट का एक लास्ट कॉन्सेप्ट है। लास्ट टू डिजिट का ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, तो इसको देखते हैं। इससे पहले मैंने आपको वीकली सॉरी होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे, आई होप कि आपने सॉल्व किए होंगे। इसका आंसर फर्स्ट वाले का आंसर है आई थिंक 14, आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, मैंने प्रोसेस बता ही रखा है। और इसका आंसर है आपका, एक सेकेंड, और डिविजिबल बाई टू, सो या इसका आंसर है आपका 01 ओनली, ठीक है, लास्ट टू डिजिट। ओके, अब हम चलते हैं अपने डे 16 पे। 16 पे चलते हैं प्रॉपर तरीके से। तो या एक सेकेंड, ओके, थोड़ा चेहरा भी देखना चाहिए ना, बिल्कुल। तो इसमें पूछा क्या गया है आपसे, लास्ट टू डिजिट किसकी 2, 4, 6, 8 की पावर है 21। तो इसमें जब भी लास्ट में आपकी जो लास्ट डिजिट हो, लास्ट डिजिट दैट मींस आपकी यूनिट डिजिट में आपका हो 2, 4, 6 या 8, तो इसमें आप लोग क्या करना है, आपको थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि आपको इसमें 2 की पावर में 10 बना के करना है इसको। छोटे नंबर होते हैं ना, अगर वो कोई बोले कि छोटे नंबर तो आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 2 की पावर 10 बना के करना है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 1024। हमें लास्ट टू डिजिट फाइंड करना है, तो लास्ट टू डिजिट इसकी अगर कुछ भी हम पावर फाइंड करते हैं, सपोज करो 24 की पावर 1, तो ये आपका 24 हो जाएगा, 24 की पावर 2 तो इसका आ जाएगा 576। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं पैटर्न को रिपीटिशन में लाने के लिए कुछ भी ऐसा करने के लिए कर रहे हैं। 24 की पावर 3, तो इसमें आपका जो भी आएगा, जितना भी नंबर होगा लास्ट में उसके 24 होगा। 24 की पावर 4, लास्ट में कितना भी कुछ भी हो 76 आएगा। तो यहाँ पे आप पैटर्न देख रहे हैं कि लास्ट टू डिजिट में पैटर्न रिपीट हो रहा है कि किस पे, इस पे, दो दो के पेयर, दो दो के बाद। तो मतलब 76 है आपका, 76 आ रहा है आपका 2 पे, 24 आ रहा है आपका 1 पे, ठीक है। तो यहाँ से आप कुछ कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर 24 की पावर ऑड है तो लास्ट टू डिजिट आएगी जो LS L2D आएगी वो कितनी आएगी, 24, ठीक है, आप देख ही चुके हैं। और 24 की पावर आपकी अगर इवन है, इवन, तो आप देख सकते हैं L2D क्या हो गया आपका 76। बस इसी कॉन्सेप्ट को आप लोगों को थोड़ा सा माइंड में रखना है कि 2 की पावर में हमको बनाना है, 10 में, 2 की पावर 10 में बनाना है यहाँ पे सबको, ठीक है। सॉरी, या चलो क्वेश्चन करते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन में आपका क्या लेते हैं, यही क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। 2 की पावर 21 है, देखो 2 की पावर 21 है आपका, तो इसको 2 की पावर 10 में बनाओ। सबसे पहले तो 2 की पावर 10 कर दोगे और यहाँ पे कितना बचेगा, 2, फिर यहाँ क्या बचेगा, 2 की पावर 1। आपको पावर बड़ी पावर है तो बनाने में इशू नहीं होगा, इसलिए आप क्या कर सकते हो, 21 को सीधा 10 से डिवाइड करो, जिसकी पावर बनानी होती है उससे से डिवाइड करो, यहाँ पे कोशेंट लिख दो, यहाँ पे रिमाइंडर लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, 20 बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 0, यही देख सकते हो, यही मैंने लिखा हुआ है डायरेक्टली। इससे पहले के क्विज आपने नहीं देखे हैं वीकली डेली में, तो आप लोग जरूर देख लेना, क्योंकि ये सारी चीजें मैं वहां पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। 2 की पावर 10, इसमें हमें लास्ट टू डिजिट में फोकस करना, 24 होगी, 24 की पावर 2 × 2 की पावर कितना है, 1 है ना।
आपको पता है कि ये है एवेन, ये है अपना लड़का एवेन, बेटा एवेन, एवेन लौंडा है ये अपना, ठीक है। एवेन में आपका क्या आ रहा था, 76 इंटू टू करोगे, आराम से कर लोगे, 6 दूनी 12, इसका बचा 1, 7 दूनी 14, 1 15, 52, इसका कितना आ गया आपका, इसे रेड से लिख देता हूं मैं, 52। इस तरीके से आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं, आराम से। अभी मैं लेता हूँ इसमें 4 में, फिर 8 में, फिर 10 में, सॉरी 6 में, 8 में, सब में, ठीक है। तो अभी मैं क्वेश्चन आपका कौन सा लेता हूँ, उसके बाद लेता हूँ मैं 4 की पावर 21, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, फिर 2 की पावर 10 बनाना है, इसका मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। सीधा 2 की पावर में पहले लाया करो सब चीजों को, 21 दूनी 42, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं है। 42 को आप डिवाइड करो ना 10 से, 4 टाइम्स जाएगा, 42, 42 का क्या करना है आपको, मैं बता रहा हूँ क्या करना है, 2 की पावर 10 रखो, 4 जो आपका यहाँ आ रहा है यहाँ रख दो, इंटू 2 की पावर 2 यहाँ रख दो रिमाइंडर में, ये आपका 24 की पावर 4 हो गया, इंटू 2 हो गया, सॉरी इंटू 4 ही हो गया, 2 की पावर 2 के खाते अंदर कोई इशू नहीं है। अभी ये आपका एवेन है, एवेन है आपका, एवेन एवेन है तो 76 आएगा, यहाँ से 4 आएगा, मल्टीप्लाई कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे, वर्चुअल कैलकुलेटर रहता है आपका गेट में, आराम से कर लोगे, 6 चौक 24, 2 7 चौक 28, 2 30, 0 4। आपको लग रहा होगा ना कि यार मजा सा आ रहा है, मजा ही आएगा यार यहाँ पे एप्टीट्यूड करके ना, आपको मजा आएगा, और 15 में से 15 मार्क्स दिलाने की कोशिश कराऊंगा मैं आप लोगों को। अभी मैं 6 की पावर 21 को देखता हूँ, 6 का हम लोगों को कुछ नहीं करना है, पहले तो इसको 2 इंटू 3 में ब्रेक कर लेना है, क्योंकि 6 का खुद का कुछ भी नहीं होता है, 3 का, 2 की पावर 21 आपको लिखना है, 3 की पावर 21 लिखना है, स्टार्टिंग से ही मैं बताऊंगा, कुछ भी ऊपर नीचे कुछ भी नहीं होगा आपका। 3 की पावर, अभी 3 वाले का मैंने बताया था कि 3 की पावर 4 में क्या आता है, 1 आता है ना, 81, तो 3 की पावर 4 में लिखो इसको, रिमाइंडर कितना कोशेंट बचेगा, 5, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1, ठीक है। पहले मैं इसको सॉल्व कर लूँ फिर इसको करता हूँ, इसका ऑलरेडी 70 24 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1, तो ये आ जाएगा आपका 76, क्योंकि एवन है, 3 पावर 2, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 1 15, 52, इसका ऑलरेडी हम 52 निकाल चुके थे, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये है, 1 सेकेंड, ओके, ये है ना आपका 52, 2 वाला, 2 की पावर 21, ठीक है, 52 था। अब हम 3 के लिए सॉल्व करते हैं, 3 के लिए सॉल्व करना बहुत आसान है, 81 की पावर 5 इंटू 3, 1 आया, 1 को पकड़ो गोली मारो, 5 को मल्टीप्लाई कर दो इसको, 8 45, 01 इंटू 3, दैट मीन्स कि आपका यहाँ से आएगा 3, मल्टीप्लाई में था ना, मल्टीप्लाइड में था, बिल्कुल मल्टीप्लाइड में ही था, तो 3 दूनी 6, 5 3 15, 56 इसका आंसर आ गया, 56 04, 04 ही था ना, या 04 इसका, 56 इसका, 04 56, ठीक है, सॉरी, या सो या अभी बचा है हमारा 8 की पावर 21, इसको भी 2 में बनाओ, आप बना बना के 2 में बनाओ, मल्टीप्लाई करो, पावर को मल्टीप्लाई करना आपको आता होगा, बिल्कुल आता होगा, 36, 21 दूनी 42, 21 63, दैट मीन 63, 2 की पावर 10 चढ़ाओ, मल्टीप्लाई करो 6 का, बचेगा कितना, 3,
ए हो रहा है इवन, ठीक है ए हो रहा है आपका इवन, फिर आपका 76 और ए आपका इवन हो रहा था ना, इवन हो रहा 76 इंटू 8, 848 की 8, 4 आठ सत्ते 56 और 4 60, दैट मीन्स इसका आ गया हमारा 08। करना नहीं पड़ा हमें किसी का भी वेट, आंसर आ 8 की पावर इसका 21 का आ गया हमें 08। सबको प्लस कर दो आएगा आपका 120, दैट मीन्स की लास्ट 2 डिजिट है आपकी 20। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन में आपको और कराता हूँ, अभी तो इवन इवन नहीं आ रहा था, कुछ और लेते हैं, मस्त सा मजे करते हैं फिर। ओके ओके ओके, तो कोई और पावर में हम तोड़ सकते हैं क्या? 36 हो जाता ना, 3 3 3 3 या समथिंग, मैं कुछ भी एक नंबर ले लेता हूँ, 2 के लिए ले लेता हूँ, 2 की पावर 33। ये क्वेश्चन मैं अपने मन से ही करा रहा हूँ, आई होप कि अच्छे से सब सॉल्व हो जाए मस्त तरीके से। 2 की पावर 10 3 इंटू 2 की पावर 3, इसका मल्टीप्लाई कर लिया वो 30 प्लस 3 33, 24 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3, 24 की पावर है आपका ऑड, तो आ जाएगा लास्ट मुझे 24 और यहाँ से निकलेगा 8। 8 चौक 32 3 आपका यहाँ, 8 दुनी 16 और 3 19, तो आपका 92 आ गया इसका आंसर। इसका आंसर क्या है आपका? 92 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट से सारे समझ में आ गए होंगे, है ना, और इसका आंसर भी हमने कर लिया है। इट्स टाइम टू गिव द होमवर्क प्रॉब्लम। इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, इसलिए मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करा, क्योंकि ऑलरेडी मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ काफ़ी जगह सब चीज़ों को, तो एक दो क्वेश्चन ही पर्याप्त थे इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। बाकी आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं कि 2 की पावर 10 में हमें ब्रेक करना है और उसका भरपूर फायदा लेना है, 6 को 2 इंटू 3 पे ब्रेक कर लेना। तो अभी इट्स टाइम टू गिव द होमवर्क, और होमवर्क में हम क्या दे सकते हैं आप लोगों को, होमवर्क में मैं आप लोगों को क्या दे सकता हूँ? 2 की पावर 10 बना के दे दूँ क्या? बना के दे देता हूँ, 2024 फैक्टोरियल इंटू 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 4 की पावर 10, सब में 10 बना के दे देता हूँ आपको, आप भी खुश हो जाओगे, मेरा भी काम हो जाएगा, मेरा भी होमवर्क का क्वेश्चन बन जाएगा। ये क्वेश्चन कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं, मैं खुद ही ऑन द स्पॉट आपके लिए बना रहा हूँ क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे 6 भी रह गया, 6 का आप लोग करोगे तो 6 का थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें वे वाला कॉन्सेप्ट नहीं यूज होगा, तो 6 का मैं 1 सेकेंड सोच लेता हूँ, थोड़ा सा मेरे को टाइम दो 1 सेकेंड का। 3 की पावर 4 6 को मैं कुछ ऐसे बना के देता हूँ कि 6 की पावर में 4 बना के देता हूँ। 6 का मैं कुछ सिंपल ही कर देता हूँ कि वो अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अदरवाइज, तो 6 की पावर कितना रखें, चलो 6 की पावर 2024 तो रख ही सकते हैं हम लोग। ठीक है, बाकी देखते हैं इसका क्या आंसर आता है, मेरे को खुद सॉल्व करना पड़ेगा इस वीडियो के बाद, आपको नेक्स्ट वीडियो में जब बनाऊंगा तो उसके लिए आंसर बताने के लिए। तो थैंक यू सो मच, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन हम लोग करते रहेंगे ऐसे ही अपने अच्छे से, आप लोग प्यार बनाए रखिए और गारंटी मानिए इस बात की कि आप लोगों को ना एप्टीट्यूड के लिए कहीं कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आपको करना क्या क्या पड़ेगा, आपको गो पीडीएफ है ना, गो पीडीएफ
वॉल्यूम वन, सारे एप्टीट्यूड के लगाओ क्वेश्चन। एप्टीट्यूड, जो लोग नए जुड़े हैं मेरे से, जो लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, एप्टीट्यूड का मतलब होता है क्या? गेट के लिए, गेट के लिए चार ब्रांचों में वो डिवाइडेड है, चार चैप्टर, चार टॉपिक में डिवाइडेड है वो। आपका एक तो है वर्बल एप्टीट्यूड, एक है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एक है आपका एनालिटिकल एप्टीट्यूड, एक है आपका स्पेशियल एप्टीट्यूड। तो मैं जब भी एप्टीट्यूड कहूँ कि एप्टीट्यूड क्वेश्चन लगा लो, तो दैट मीन्स कि सबके लग जाने चाहिए। ये बाय डिफॉल्ट है, ये कोई रिटन रूल नहीं है, बट ये बाय डिफॉल्ट है, ठीक है? तो ये आपका टोटल मिला के आता है 15 मार्क्स का, और 15 मार्क्स बहुत ही आसानी से लाए जा सकते हैं। कुछ लोग 15 में से 15 लाते हैं, पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट 12+ मार्क्स लाते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो प्रिपेयर करते हैं। अब जो प्रिपेयर नहीं करते उनकी बात ही अलग है, तो उनके बारे में कुछ नहीं कह रहा हूँ सॉरी। तो आई होप कि आप लोग इसका आंसर जरूर करना। इसके बाद हम डीएम और ईएम के लिए भी कुछ प्लान कर रहे हैं, ये दोनों मिला के आपके आते हैं 13 मार्क्स के। तो इनके लिए भी क्विज की व्यवस्था करने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है अभी, तो क्योंकि मैंने एक मेंटर से प्रोग्राम भी स्टार्ट किया, तो उसमें मेरे को एवरी संडे मीटिंग लेता हूँ मैं, एक्सेल शीट चेक करता हूँ, रिव्यू करता हूँ, और डेली कुछ ना कुछ सजेशन करता हूँ, तो वहाँ पे मेरे को थोड़ा सा टाइम ज़्यादा चला जाता है, सॉरी। तो इसलिए मैं ईएम और डीएम का अभी स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ, बट वेरी सून मैं स्टार्ट करूँगा, और पहले से मैं थोड़ा प्रिपेयर करके रख लूँ, स्टार्ट करूँगा। बट इसमें भी मैं अनाउंस करूँगा कि क्या रख सकता हूँ, पैटर्न स्टूडेंट से पूछूंगा कि, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम एक्चुअली चला जाता है, और काफी सारे लोग ऑलरेडी जो तैयारी करते हैं वो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज फॉलो करते हैं, तो कोचिंग का करते हैं या फिर कोई स्टैंडर्ड रिसोर्स फॉलो करते हैं। तो आई थिंक कि ईएम और डीएम का सिर्फ मैं अभी जो मेरे को माइंड में आ रहा है, मे बी प्लान चेंज भी हो सकता है, कि मैं क्या करूँगा कि डीएम का और ईएम का क्वेश्चन दिया करूँगा, और उसका सॉल्यूशन आपको टेक्स्ट के फॉर्म में ही दे दिया करूँगा। क्योंकि एक्सप्लेन करना, मतलब वीडियो शूट करना, फिर वीडियो एडिट करना, फिर अपलोड करना, थंबनेल बनाना, इट्स अ वेरी हेक्टिक प्रोसेस। तो एप्टीट्यूड के लिए हम करते रहेंगे, डीएम ईएम के लिए हम लोग टेक्स्ट बेस्ड में करेंगे। तो अभी जैसे ही मेरे को टाइम मिलता है, मे बी नेक्स्ट वीक से हम लोग कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी ट्राई करेंगे यार। आप लोगों के लिए ना 13 मार्क्स आपका यहाँ से आए, एप्टीट्यूड से आपका 15 मार्क्स आए, टोटल होता है आपका 28 मार्क्स। क्वालिफाई तो आप इसी में हो जाओगे अगर अच्छे से कर लोगे। ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है एक्चुअली ना, मैथ्स की एक खासियत होती है, मतलब एक दो नंबर का इंग्लिश आता है एप्टीट्यूड में, उसको आप लोग अगर निगलेक्ट कर दें, वैसे बन जाता है वो, एक आध क्वेश्चन नहीं बनता है, वैसे बन जाते हैं, मतलब आपको थोड़ा बहुत भी इंग्लिश अच्छा है। मैथ की खासियत होती है कि उसमें नंबर नहीं कटते, अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा है, आपको समझ आ रहा है, आप सॉल्यूशन कर पा रहे हैं, आप सॉल्यूशन आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी है, तो मैथ्स में नंबर नहीं कटते हैं, ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि मैथ्स में गलत होने के चांस बहुत कम रहते हैं, या तो वो गलत होगा या फिर वो सही होगा, बीच का कुछ भी नहीं होगा उसमें कि हम फंस रहे हैं कि कुछ हो रहे हैं, या तो वो गलत होगा या सही होगा, मैथ्स में यही अच्छा रहता है। तो मैथ्स में या तो आप नंबर लाओगे या फिर आपसे वो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। और जनरली आप लोग जो वॉल्यूम वन से ही लगाओगे ना, वॉल्यूम वन में गो पीडीएफ में, अगेन आपको बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, गो पीडीएफ का जो वॉल्यूम 1 है उसी में है आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी आई थिंक उसी में है, और एप्टीट्यूड का पूरा सेक्शन उसी में है। तो जो वॉल्यूम 1 है ना, वो आपको 28 मार्क्स देने की पूरी तैयारी कर रहा है। उसके अलावा आई थिंक और सब्जेक्ट भी हैं, वो आप देख लेना, मेरे को इतना एग्जैक्टली याद नहीं, बट वॉल्यूम 1 में आई थिंक कि ये तो है। तो 28 मार्क्स बहुत होते हैं, 28 मार्क्स बहुत होते हैं, और मैं कोशिश कराऊंगा कि 25+ मार्क्स सब लोगों के आए जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, और या जो लोग मेरे को टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं, या फिर जो मेंटरशिप प्रोग्राम में, मेंटरशिप वालों के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, मैं स्पेशली प्लान कर रहा हूँ, तो वो उनको एवरी संडे कुछ ना कुछ स्पेशल मिलता रहेगा, और वो लोग भी क्वेश्चन सॉल्व करें, सब लोग क्वेश्चन करें, किसी भी कोचिंग के हो यार, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जहां आपको कंटेंट अच्छा मिल रहा है ना, जहां आपको चीजें सही मिल रही हैं, आप उसको ले लो और नंबर ले आओ। आप ये मत सोचो कि यार मैं इस कोचिंग से तो यहाँ पे क्यों करूँ, अरे डेली का एक क्वेश्चन आ रहा है भैया, होमवर्क में दो क्वेश्चन रहते हैं, कई बार एक रहता है,
तो आप लोग डेली 2 से 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, वो भी बिना मतलब 1 घंटा भी नहीं देना पड़ेगा आपको, आधा घंटे में सब हो जाएगा। 15-20 मिनट का आपका वीडियो रहता है, कई बार मैं ऐसी चीजें बोलता हूँ इसको आप सुन लिया करो, 15-20 मिनट का वीडियो रहता है, तो उसमें आप लोग कॉन्सेप्ट समझोगे यार, तरीके समझोगे आप लोग, और अपने कॉपी पेन में नोट डाउन करो, ऐसी मूवी की तरह मत देखा करो, ठीक है? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, आप लोग ध्यान रखो, और एप्टीट्यूड में डेली करो, एप्टीट्यूड आप डेली करोगे, 5 महीने आपके बचे हुए हैं, धीरे धीरे करोगे, बहुत अच्छा एप्टीट्यूड आपका हो जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा यार, प्रेशराइज भी नहीं होगी यार कि मेरे को एप्टीट्यूड के लेक्चर देखने, ये देखना वो देखना, अरे यार हर चीज के लेक्चर देखना जरूरी नहीं रहता है। आप कॉन्सेप्ट समझो, तरीके सीखो, सॉल्व करो, आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करो। और लास्ट में एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ कि जिन बच्चों को ने अभी स्टार्ट नहीं किया है या कर रहे हैं, तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स प्लस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का फ्री ऑफ कोर्स, दोनों सब्जेक्ट का फ्री कोर्सेस है गो क्लासेस की वेबसाइट पे, ये कंप्लीटली फ्री है, ये कंप्लीटली फ्री है। आप लोग यहाँ से डीएम और ईएम पढ़ सकते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं भैया मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी नहीं है, भाई साहब मैं गारंटी दे रहा हूँ आप लोगों के, 100% गारंटी दे रहा हूँ, 110% तक गारंटी दे रहा हूँ कि यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है ना, जो आपकी जबरदस्त हो जाएगी ये डीएम और ईएम करने से। और ये फ्री है यार, फ्री है तो क्या दिक्कत है, एक बार जाके देखो तो आपसे क्या ले लेगा, आपका इंटरनेट तो वैसे भी जा रहा है इंस्टाग्राम की रील्स में और यूट्यूब की रील्स में, एक बार आप यहाँ पे जाके देखो, समझो, पढ़ो थोड़ा सा। आप लोग कहते हैं यार बड़ा कंटेंट है, यार बड़ा बड़ा कुछ नहीं होता है, जिस दिन आपने ठान लिया, जिस दिन आप डेडिकेटेड हो गए, 8 से 10 घंटे, 10 से 12 घंटे जिस दिन आपने अपने लिए निकाल लिए, और डेली रहे, कंसिस्टेंस रहे, कंसिस्टेंसी के लिए ही मैंने वो अपना मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया। बहुत सारे लोग ना जो जॉब करते हैं, 3rd ईयर 4th ईयर में इंटर्नशिप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो लोग कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे थे, तो गेट में कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, ठीक है? गेट में कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, और कंसिस्टेंसी 8 to 10, कोई कैपेसिटी अच्छा तो 10 to 12 आवर्स अगर निकाल पा रहा है, वो भी स्टडी कर रहा है, अच्छे से सब चीजें कर रहा है, भाई साहब उसकी गजब रैंक आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ईएम और डीएम आप यहाँ से करो, एटीट्यूड में कंप्लीटली करा रहा हूँ विथ एनालिसिस, और ईएम डीएम के मैं क्विज दूंगा, बिल्कुल क्विज दूंगा, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन होंगे, और ईएम डीएम में और एप्टीट्यूड में प्रीवियस ईयर टच नहीं करने वाला हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लेने वाला हूँ मैं, तो प्रीवियस ईयर आपको वॉल्यूम 1 से सॉल्व करना पड़ेंगे, तो आपको ये सब एक्स्ट्रा मिल रहा है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कर लोगे तो वो हो जाएगा, ऐसा क्यों सोचते हो यार आप, ऐसा क्यों सोचते हो आप, थोड़ा सा मेहनत करो ना, आप प्रैक्टिस करो, वॉल्यूम 1 को ओपन तो करो, एक बार ओपन करके देखो, अभी नई पीढ़ी अभी 2-3 दिन में लॉन्च होने वाली है, वी आर कंटिन्यूसली लाइक वर्किंग ऑन दैट, सो आप लोग ऐसे चिंता भी मत करो। तो आई होप कि आपको थोड़ा सा कुछ मोटिवेशन भी मिला होगा, कुछ मजा भी आया होगा, तो ऐसी क्लास चलती रहेगी नॉर्मली, अभी मॉर्निंग का टाइम है, जस्ट मैं सो के उठा था जस्ट, तो मैंने वीडियो सोचा कि रिकॉर्ड कर देते हैं, तो आई होप कि आप लोग बहुत सारा इंजॉय कर रहे होंगे, बहुत सारा सपोर्ट करना, और ये आपका अपना चैनल है, इसको शेयर करो जितने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, करो आप अपने जूनियर्स के साथ, करो सबके साथ शेयर करो यार, ये अच्छी चीजें हैं, अच्छी चीजें शेयर करने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है? मतलब अनलेस आप अनलेस रिगार्डलेस आप किसी भी कोचिंग से हो या कुछ भी हो, आपकी मेंटेलिटी कुछ भी हो, आप लोग क्या सोचते हो किसी के बारे में, वो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट मैं अगर कंटेंट अच्छा दे रहा हूँ और आपको पसंद आ रहा है, आप उससे बेनिफिट लो, और अपने फ्रेंड्स को बेनिफिट दो, अपने जूनियर्स को बेनिफिट दो, तो बस आप लोग यही करो, तो इससे थोड़ा सा मेरा सपोर्ट भी हो जाएगा, मेरे को ही मोटिवेशन मिलेगा, जितने ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे, जितने ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट करेंगे, जितने ज्यादा से ज्यादा लोग टेलीग्राम पर जुड़ेंगे, तो वो मेरे को मोटिवेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं किसी से कुछ भी चार्ज नहीं कर रहा हूँ एक्चुअली, और यूट्यूब पे अभी कुछ भी पैसा नहीं आ रहा है मेरा, ठीक है? मेरे को काफी टाइम लग जाता है, तो अब अगर यूट्यूब से कुछ आने लगेगा तब मैं उतना नहीं बोलूंगा, बट अभी तो आप लोगों का सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, आप अपना बड़ा भाई छोटा भाई या जो भी मान के ना मेरे को सपोर्ट करो आराम से, और जितना आप पॉसिबल हो आप अपने एंड से करो, गेट की प्रिपरेशन इफेक्ट नहीं होनी चाहिए आपकी, ठीक है? तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा सारा चीजें, फिर भी कोई दिक्कत रह जाती है, कोई डाउट रह जाता है, आप टेलीग्राम चैनल पे जाओ, मैं पिंड कमेंट में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा आज, तो सब लोग आप ज्वाइन करो, जो भी यहाँ पे यूट्यूब पे सब्सक्राइबर हैं वो आप सब लोग ज्वाइन करो वहाँ पे टेलीग्राम पे, तो
कुछ एक्स्ट्रा डिस्कशन वहाँ पे कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में वो पॉसिबल नहीं रहता है कि हम पे इमेज वगैरह भेज सकते हैं या वीडियो वगैरह कुछ भी हमें भेजना है तो वो नहीं भेज पाते हम। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करो जम के। ठीक है, बाय बाय।